एक और दूसरा समझो यूनिवर्सिटी क्या है ना कि उसके चांसेस बहुत ज्यादा है, वो हम लोग देने वाले हैं। यूनिवर्सिटी वाला ही एग्जाम मैंने लिया हुआ है और इसके चांसेस आप लोगों को पूछा जा सकता है। जैसे कि मैंने यहाँ पे स्टेप के अंदर बोला था, अगर स्टैंडर्ड पॉपुलेशन दिया हो तो क्या करें, 110% इसके चांसेस बहुत ही ज्यादा। मतलब अगर आप कोई भी पेपर उठा लो, मेजोरिटी टाइम रिपीट होने वाला ये सब क्लियर। इसके अंदर कोई शॉर्ट सम्स आते नहीं है, शॉर्ट सम्स के तरीके में होता क्या वो भी क्लियर कर लो। शॉर्ट सम्स के अंदर ये सारी डेटा को आपको जो कैलकुलेट करना है वो कैलकुलेटेड डेटा दिया, उसमें से आपको सम निकालना है। पर पहले ये बड़े सम समझ लेते हैं। इस सम के अंदर पुराने वाले सम से अलग क्या है, डेथ रेट नहीं है। मतलब अगर आपको याद हो तो ये पहली कॉलम थी, ये दूसरी कॉलम थी और ये तीसरी कॉलम थी, तीसरी कॉलम मिसिंग है यहाँ पे। तो आप लोग को तीसरी कॉलम कैसे फाइंड आउट है, मैंने बोला था ये 2 डिवाइडेड बाय 1 इंटू 1000 कर दो फटाफट से, 2 डिवाइडेड बाय 1 इंटू 1000 3 0। ये दोनों चीजें हमारे पास मिल जाने के बाद अब हम लोग को क्या करना है, अब हम लोग को इसका टोटल करना है। पहले फटाफट से इन दोनों का भी टोटल निकाल लेते हैं कितना आ रहा है। ओके, इसका भी मुझे टोटल बता, 19, 19, 27, 30 रुपए। ओके, अब यहाँ से सबका टोटल हो चुका है। सबसे पहला हमारा स्टेप कौन सा था, सबसे पहला हमारा स्टेप आ रहा था दैट वाज रिलेटेड टू सीडीआर फाइंड करना। सीडीआर कैसे फाइंड करना, तो सीडीआर के हम लोग फॉर्मूला पता है, टोटल डेथ ये तो पता ही है। पहले है ए वालों का, तो ए का ले लेते हैं। ए का सीडीआर क्या आने वाला है, तो 479/30,000 × 1000 और बी का भी देख लेते हैं। बी का आएगा 283/15,000 × 1000 कितना, 15.97। ओके भाई, इसका कितना आ रहा है वो बता, 18.87। ओके, ए और बी का सीडीआर मिल गया और सीडीआर के हिसाब से ए बेहतर है बी, एसडीआर फाइंड है। अब एसडीआर के अंदर ध्यान रखना, लास्ट टाइम के अंदर मैंने कहा जो कम है उसको बना, तो इसमें कह रहा है उस टाइम पे स्टैंडर्ड पॉपुलेशन वाज नॉट गिवन, इस सब में क्या दिया हुआ है, स्टैंडर्ड पॉपुलेशन दिया हुआ है, स्टैंडर्ड पॉपुलेशन दिया हुआ है, दिखाई दे रहा है वहां पे। तो दोनों का फाइंड करना है, एसडीआर ऑफ ए इज इक्वल टू, तो ए का कैसे मिलेगा एसडीआर अगर मुझे दे, तो 3000 इनटू किसका डेथ रेट चाहिए, इसका 21 प्लस 8000 इनटू 16 प्लस 15000 इनटू 12 प्लस 4000 इनटू 20 डिवाइडेड बाय टोटल कितना चाहिए, 30000। ओके, ये आ गया हमारा किसका, ए का। सेम टू सेम बी का भी अगर हमें फाइंड करना तो मैं फॉर्मूला नहीं ले रहा हूं, मैं डायरेक्ट 3000। अब डेथ रेट बी का ले लेना, डेथ रेट किसका ले लेना, बी का, इनटू 25 प्लस 8000 इनटू 15 प्लस 15000 इनटू 16 और प्लस 4000 इनटू 30 डिवाइडेड बाय 30000 18.5। अगर हम लोग यहाँ पे कंपेयर करें ए और बी को, तो भाई बेहतर कौन सा है, ए। तो यहाँ पे कुछ नहीं करना है, हैंस करके लाइन चिपका देना, डन। तो यहाँ से हमें पता है ए, अगर स्टैंडर्ड पॉपुलेशन दिया हुआ है तो किस तरह से सम होता है, स्टैंडर्ड पॉपुलेशन नहीं दिया तो किस तरह से सम होता है, प्लस हमने ये नंबर ऑफ डेथ कैसे फाइंड आउट करनी है वो अगले पिछले वाले सम में दे दिया, और डेथ रेट किस तरह से फाइंड करना है वो इस वाले में सम में। इतना अगर कर लिया तो एसडीआर सीडीआर में कभी भी लफड़े में नहीं फंसो, इतना खाली समझ लो। और ये दो सम अच्छी तरह से समझ लेना, तो बाकी के टेक्स्ट बुक के जितने भी सम आपको दिए वो ऑटोमेटिक हो जाए, बस दो सम के अंदर आपका पूरा का पूरा काम खत्म हो जाए। इतना कर लो, आगे हम लोग दूसरे सारे जो टॉपिक्स हैं उसके नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कवर अप करते हैं, तो वो सारी चीजें भी हो जाएगी। तो 2-3 लेक्चर के अंदर पूरा का पूरा डेमोग्राफिक मेथड आपके सारे के सारे फुल मार्क्स लाने के अंदर स्कोर कर सकता है, बराबर है। तो शांति से देख लेना, कर लेना, लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, इससे हो सके।
सके उतना पुण्य का काम करते रहो, क्योंकि यूनिवर्सिटी एग्जाम आ रही है नजदीक, जरूरत पड़ेगी, वो सारी चीजें ही काम लगती है, दूसरी सारी मोह माया होती है, ये समझ लो दिल। और फिर उसके बाद इसके जो लेक्चर है उसके साथ साथ हम लोग डिक्लेयर भी करते हैं कि एग्जाम के टाइम पे हम लोग कौन कौन से टॉपिक आप लोग को वापस से रिवाइज करा। सो स्टे ट्यून, आप लोग बेल आइकन दबा देना, इसलिए अगर हम लोग लाइव आए तो आपको नोटिफिकेशन आ जाए कि कितने बजे हम लोग लाइव आ रहे हैं और किस तरह से काम हो रहा है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए सी यू टाटा बाय बाय।